हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार, आप सभी का दोस्त। एंड यह है मेरा चैनल बैंक एंड डेटा हाउस, जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड मैं तहे दिल से आभारी हूं जो भी आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए। बहुत रिसर्च में, डाटा पे बहुत रिसर्च लगता है, टाइम जाता है, हम आपके लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। सो हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपका तो भला होगा ही, लेकिन हमारे चैनल का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। सो विद दिस, मैं इस वीडियो में जिस मकसद से आया हूँ, जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जिसके क्यूरीज के आंसर्स करने आया हूँ, वो बात करते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल रिज़ल्ट आया, कई बच्चे अब जो हैं उनका बहुत मार्जिन से रह गया, किसी का एक नंबर से रह गया, किसी का आधे नंबर से रह गया, किसी का डेढ़ नंबर से, किसी का 0.5 से, किसी का दो नंबर से। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछली बार जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो कब कब आई थी, और पिछली बार जो भी वेटिंग लिस्ट आई थी, वेटिंग लिस्ट नंबर वन, वेटिंग लिस्ट नंबर टू, वेटिंग लिस्ट नंबर थ्री, उसमें कितने कम मार्क्स तक के बच्चों के सेलेक्ट हुए हैं और प्रोसीजर क्या रहता है। बिकॉज बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है अभी क्रिएट हो रखा है बच्चों में, जो बहुत मार्जिन से रह गए हैं। कई सारे बच्चों का कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अब मैं आपको उन सभी क्यूरियस का एक एक करके आंसर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से, और किसी स्टेट में जो है मतलब एवरेज वैकेंसी है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जैसे स्टेट लाइक गुजरात, स्टेट लाइक महाराष्ट्र, स्टेट लाइक यूपी, स्टेट लाइक पंजाब, स्टेट लाइक एक दो स्टेट और होंगे, उसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। सो जनरल कैटेगरी में क्या होता है, दो से लेकर ढाई नंबर तक का डिफरेंस, या फिर वर्स्ट केस में क्या होगा, डेढ़ नंबर से लेकर दो नंबर तक के बीच का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में दिखेगा आपको जो भी इस बार कट ऑफ आया है उस कट ऑफ से, और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ होगा उसमें आपको वर्स्ट केस में भी डेढ़ से दो नंबर का डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में एक से डेढ़ नंबर का डिफरेंस अगर देखने को मिल रहा है तो सेम डिफरेंस ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में भी दिखेगा। बिकॉज ये जो कटअप डिक्लाइन करता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है इस बात पे कि कितने लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, कितने लोग एलपीटी टेस्ट देने नहीं आते, मतलब कितने लोग जो है फाइनल सिलेक्शन को छोड़ देते हैं। सो ये टोटल उसी पे डिपेंड करता है। सो एक छोटा सा लॉजिक अगर हम सोचें, सोचो कि जितनी ज़्यादा रेजिग्नेशन होंगी उतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में कटअप क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो चांसेस क्या हैं कि चांसेस ये हैं कि जनरल कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग ज़्यादा जो है रेजिग्नेशन दें, या फिर ज़्यादा एलपीटी टेस्ट देने के लिए ना आए। उसके लिए बहुत वेरियस रीज़न हो सकती हैं, किसी का SBI में सिलेक्शन हो गया, किसी का RRB PO में सिलेक्शन हो गया, किसी का IDBI में, किसी का EPFO में, किसी का LIC में सिलेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। सो सीधा लॉजिक ये है, अगर आप सोचो कि जो कट ऑफ में डिफरेंस होने वाला है, जो डिफरेंस होगा कट ऑफ का फाइनल मेरिट लिस्ट जो अभी बनी थी और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें, वो होगा डेढ़ से दो नंबर का, जो मुझे लगता है। पिछले साल महाराष्ट्र स्टेट से 2.40 मार्क्स का डिफरेंस रहा था। पिछले साल अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट में 2.40 मार्क्स का डिफरेंस रहा था फाइनल मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के मेरिट लिस्ट के डिफरेंस में। सो अगर आप वेट कर रहे हैं किसी भी वेटिंग लिस्ट का, सो मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। जो आपका होना था वो हो चुका, एग्ज़ाम होना था हो चुका, रिजल्ट आना था आ चुका, वेटिंग लिस्ट आएगा, जो होगा देखा जाएगा। आप वेटिंग लिस्ट को अपने हिसाब से नहीं समझ सकते, बिकॉज वेटिंग लिस्ट बहुत ही इलॉजिकल होता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप बिल्कुल भूल जाएं, छोड़ दें। अगर आपका होगा तो आपके लिए बोनस है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वैसे ही नहीं हुआ है तो हम क्यों ना नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और मेरे हाथ लगेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एंड अगेन मैं जाते जाते ये क्लियर कर दूँ कि जिस बच्चे का अभी जो है मार्क्स में दो नंबर तक या फिर ढाई नंबर तक डिफरेंस है, उसका बहुत चांस है कि उसका सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट तक, अगर फर्स्ट में ना भी हुआ तो सेकंड एंड थर्ड वेटिंग लिस्ट तक कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, इस बात को बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं बात करूँ वेटिंग लिस्ट फर्स्ट की,
तो टोटल 1200 बच्चों के नाम थे। पिछले साल जो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आई थी उसमें 1200 बच्चों के नाम थे, इसका मतलब टोटल 1200 वैकेंसीज जो थी खाली रह गई थी वेटिंग लिस्ट में। सेकंड जो वेटिंग लिस्ट आई उसमें भी 600-700 बच्चों के नाम थे, और जो थर्ड और आखिरी वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें जो थे 400 से 600 बच्चों के नाम थे। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 2 से 3 नंबर वाले बच्चे हैं जिनका मार्जिन रह गया है उनका सिलेक्शन भी हो जाए विद द फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट। सो आई होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक जो भी है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बने रहें हमारे साथ, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए अलविदा, मैं हूं प्रीतम कुमार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।